नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात अमौखिक संचार कैसे होता है। ठीक है, अमौखिक संचार मतलब बिना शब्दों के भी हम संचार कैसे कर सकते हैं। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखें तो ये हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन कैन ऑकर विदाउट वर्ड्स, यानी संचार जो है वो बिना शब्दों के भी हो सकता है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप बिना कोई शब्द को कहे भी संचार कर सकते हैं, यानी अपनी बात को आप दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप वो कैसे, वो आर सेंसेज, यानी हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा। सेंसेज कौन कौन से होते हैं हमारे अंदर, ईयर यानी कान, आइज यानी हमारी आँखें, टच यानी हमारी जो बॉडी है उसके द्वारा हम जो टच करते हैं वो, और स्मेल यानी हमारी नोज, और अगर हम बात करें तो हमारी जीभ यानी जिससे हम स्वाद लेते हैं। तो ये लगभग जो पांच ज्ञानेंद्रियाँ किसी भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब विदाउट अटरिंग एनी टाइप ऑफ वर्ड्स, मतलब बिना किसी भी शब्द का उच्चारण करें हम संचार कर सकते हैं। वर्क्स एज कोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब हमारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं जैसे कि आपका ईयर है, आइज है, टच है, स्मेल्स है, दैट इज वर्क एज ए कोड, यानी ये कोड के रूप में काम करता है फॉर कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के लिए क्या करता है, वो कोड के रूप में काम करता है। अब अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके अलार्म क्लॉक है, सुबह का आपने अलार्म लगा दिया सुबह 4 बजे का, तो अलार्म क्लॉक बजेगी, आपका जो कान है उसमें आवाज़ जाएगी और आप क्या है, उठ जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन कि आप अपने ईयर के द्वारा आपने अलार्म क्लॉक को सुना, आपकी घड़ी के अलार्म को सुना और आप उठ गए। ठीक है, अब अगर आप कहें वेदर आउटसाइड, यानी आपका जो आइज है, आपने खिड़की खोली, खिड़की खोल करके आप आइज के द्वारा मतलब आँखों के द्वारा आपने देखा कि बाहर मौसम कैसा है। ठीक है, मौसम रेनी मौसम है या आपका कहते हैं वेदर बदल रहा है या धूप निकल रही है, तो किसके द्वारा देखेंगे आप, आइज के द्वारा, दैट इज आल्सो अ कम्युनिकेशन। अब अगर आप कहें आपके हाथ में कहते हैं कप ऑफ टी है, यानी कि कहते हैं आपका जो चाय का कप है वो है आपके हाथ में और आप उसको ये देखना चाहते हैं कि वो गर्म है या ठंडा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप टच का यूज करेंगे, यानी कि टच करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो चाय है वो वार्म है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडी है। ठीक है, तो टच के द्वारा आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें स्मेल ऑफ ब्रेकफास्ट, यानी किचन में कोई ब्रेकफास्ट बन रहा है और आपको स्मेल आती है उसकी और स्मेल के कारण आप ये जान जाते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, मतलब किसी ने नहीं बताया कि ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, उसके बावजूद आपको स्मेल के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बना है। ठीक है, तो स्मेल भी हमारा कम्युनिकेशन का काम करती है। आइज कैन ट्रांसमिट फीलिंग, मतलब हमारी जो आँखें हैं, अभी हमने आँखों की बात करी थी वेदर आउटसाइड देखने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हमने देख लिया, लेकिन आँखों के द्वारा हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएँ हैं, उनको भी बता सकते हैं, उनको भी हम कहते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं किस चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लव है, एंगर है, हेट है, सोरो है, मतलब आपका जो प्यार दिखाने का, तो आँखों के द्वारा पता चल जाता है। एंगर, आपको अगर गुस्सा आ रही है, आँखें लाल हो जाती हैं, तो एंगरनेस का पता चल जाता है। हेट, अगर आप किसी से घृणा कर रहे हैं तो आपकी आँखों के द्वारा पता चल जाएगा कि ये घृणा की नज़रों से देख रहा है। सौरो यानी आप दुखी हैं या कोई व्यक्ति दुखी है तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो दुखी है, जबकि उसने कोई भी वर्ड नहीं कहा है उसके बावजूद। ठीक है, तो आइज कैन ट्रांसमिट फीलिंग्स, ठीक है, विदाउट अटरिंग एनी टाइप ऑफ वर्ड्स, यानी कि बिना किसी वर्ड का, किसी बिना किसी शब्द का उच्चारण किए आप क्या है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं आइज के द्वारा। ठीक है, हम मान लीजिए कोई पेंटर है, उसने कोई पेंटिंग बनाई, बहुत सुंदर पेंटिंग है, वो सुंदर पेंटिंग के द्वारा ही वो क्या है कि वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है आपके, आपकी तरफ, कि कहते हैं वो क्या दिखाना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है आपको पेंटिंग के माध्यम से। ठीक है, तो कोई पेंटर है वो पेंटिंग के माध्यम से अपना मैसेज देता है, अपना कम्युनिकेशन करता है। फोटोग्राफ की अगर हम बात करें तो किसी भी फोटोग्राफ के द्वारा जो फोटोग्राफर है वो फोटोग्राफ खींचता है, बहुत ही सुंदर खींची उसने और उस फोटोग्राफ को कहते हैं आपने किसी अखबार में निकलवा दिया, तो उस फोटोग्राफ को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हाँ इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या कहना चाह रहा है फोटोग्राफ, ये पिक्चर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहते हैं हो गया आपका साइलेंट थिंकिंग, यानी आप बैठे हैं चुपचाप,
किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, साइलेंट थिंकिंग हो रही है। तो वो साइलेंट थिंकिंग क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। आगे, कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल। क्या आपने कभी मनुष्य को और कहते पशु को आपस में बात करते देखा है? नहीं देखा है। तो वहाँ पे क्या है कि जो आपका डॉग है, आपका जो पप्पी है, जो आपने पाल के रखा है, जो पालतू है आपका, वो क्या है कि दुम हिला रहा है अपना, आपको चाट रहा है। सो दैट इज, वो शो कर रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, वो अपने लव को शो करने का एक तरीका है। तो कम्युनिकेशन क्या है कि मनुष्य और जानवरों में भी होता है, एनिमल्स में होता है। जानवरों में मतलब आपका पशु भी आ जाएंगे, आपके पक्षी भी आ जाएंगे, ठीक है। जानवर का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जिसके चार पैर होते हैं वही जानवर होता है। जानवर में मतलब एनिमल जो है, एनिमल में हम अगर अपनी बात करें तो हम भी एक सोशल एनिमल हैं, रेशनल एनिमल हैं, मतलब हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो द एनिमल। और एनिमल्स में हम पशु और पक्षी दोनों की बात कर रहे हैं। आपके जो पैट होते हैं, आप उनसे क्या है अपने लव को शो करते हैं। तो ना व्यक्ति कहते हैं डॉग को बताता है कि हाँ उसको वो प्यार कर रहा है, और ना डॉग बताता है व्यक्ति को कि वो कैसे प्यार कर रहा है। वो उनके तरीके होते हैं, उनके मेथड होते हैं। सो विदाउट अटरिंग एनी टाइप ऑफ वर्ड्स दे कैन शो हिज लव, हिज हेट, हिज सोरो और हिज एंगरनेस टू ईच अदर। मतलब वो अपने कहते प्यार को, अपने गुस्से को, अपनी घृणा को, अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और केवल वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर लें तो हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत जगह पर हमारे बहुत ही सहयोग करता है, बहुत ही काम करता है। गुड कम्युनिकेशन इज फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। मतलब ये है कि अगर आपका कम्युनिकेशन, आपका जो संचार है वो क्या है कि वो एक फाउंडेशन है, एक बेस है, किसके लिए? आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हों या आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों। यानी आप अपने घर पर हों, आप अपने घर संबंधी जो सगे संबंधी हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, और आपका कहते हैं जो रिश्तेदार हैं, उनसे आप पर्सनल जो रिलेशनशिप रखते हैं उसको आपको बनाए रखना है सक्सेसफुल तरीके से, तो उसकी फाउंडेशन भी कम्युनिकेशन के द्वारा होगी। और जो प्रोफेशनल है, यदि मतलब आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन की वजह से आप एक क्या है रिलेशनशिप को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। बट वी कम्युनिकेट विद मच मोर देन वर्ड्स। मतलब ये है कि हम क्या है कि अपने वर्ड्स के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। मतलब शब्दों के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेशन भी क्या है कि हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, उसको सक्सेस करने में काफ़ी भूमिका को निभाता है, ठीक है। रिसर्च शोज दैट 55% ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वेड बाई बॉडी लैंग्वेज। रिसर्च का दावा क्या है कि 55% जो कम्युनिकेशन है दैट इज कन्वेड बाई बॉडी लैंग्वेज, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है जिसमें आपका आई कॉन्टेक्ट आता है, आपका गेस्चर आता है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये आता है, इनके द्वारा आप 55% कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 38% इज कन्वेड इन द वॉइस, इट्स क्वालिटी, यूज ऑफ टोन एंड इन्फ्लेक्शन। यानी 38% जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? वॉइस के द्वारा, ठीक है। उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका यूज ऑफ टोन, कि मतलब आप गुस्से में हैं तो गुस्से की टोन आएगी, आप अगर हैप्पी हैं हैप्पी की टोन आएगी, आप दुखी हैं तो दुखी की टोन आएगी, ठीक है। इन्फ्लेक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो 38% है दैट इज ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। ओनली 7% इज कन्वेड इन द वर्ड्स वी यूज, ठीक है। मतलब केवल 7% हम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने कम्युनिकेशन के दौरान, अगर हम कहीं पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये एक रिसर्च का दावा है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप 55% जो कम्युनिकेशन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फर्स्ट पार्ट बॉडी लैंग्वेज के बारे में,
कि बॉडी लैंग्वेज से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज नॉन एज काइनेसिस। ठीक है, मतलब बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो हम स्टडी करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? काइनेसिस के नाम से जानते हैं। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? काइनेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम अगर किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या होता है? काइनेसिस, विच मीन्स बॉडी मूवमेंट विच कम्युनिकेट विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब बिना किसी शब्दों के प्रयोग करे हुए भी अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी मूवमेंट, देन दैट इज कॉल्ड द काइनेसिस। क्लियर? और काइनेसिस को क्या कहते हैं? हम बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करने वाला विज्ञान है एक तरीके से। इट इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एफर्ट थ्रू विच ट्रुथ कैन नेवर बी हिडन। मतलब बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा आप क्या है कि जो सत्य है या सच है उसको आप छुपा नहीं सकते। मान लीजिए आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा या आपने किसी से कहा कोई बात कही और उसने यस में सिर हिलाया, लेकिन उसका जो बॉडी मूवमेंट है उस बॉडी मूवमेंट को देख करके आप ट्रुथ का पता लगा सकते हैं, सच का पता लगा सकते हैं कि क्या वाकई में ये यस बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के बारे में। सेकंड टाइप है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे की मुखाकृति के बारे में। तो फेशियल एक्सप्रेशन शो एंगर, फियर, सैडनेस, जॉय एंड डिस्कस्ट। यानी आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, यानी मुख की जो आकृति है, वो आपके किस किस चीज़ को दिखाती है? आपके क्रोध को दिखाएगी, आपके डर को दिखाती है, आपके सैडनेस को, आपके कहते हैं दुखीपन को दिखाएगी, आपकी खुशी को दिखाएगी। तो फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हमारे जो इनर में, हमारे जो डीप में, हमारे अंदर जो भी भावनाएँ, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, उन फीलिंग्स को क्या होता है कि हमारे चेहरे पर वो चीज़ें झलकने लगती हैं और हमारे चेहरे की मुखाकृति को देखकर जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत कुछ समझ जाता है बिना कोई वर्ड कहे या बिना उसको कोई भी कम्युनिकेशन, मतलब ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन को किए बिना, बिना वर्ड के यूज के हम क्या है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन वहाँ पर हो जाता है, संचार हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसको कैसे रोकें, तो फेस इज द मिरर और इंडेक्स ऑफ द माइंड। मतलब फेस जो है हमारा वो क्या है, एक तरीके से दर्पण है, हमारा जो माइंड है उसका चेहरे पर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम अपने माइंड में फील कर रहे होते हैं, डीप में, गहराई में, जिस भी चीज़ को हम फील कर रहे होते हैं, आश्चर्य, जैसे हमें किसी कोई बात हमने कहते हैं देखी या हमने सुनी तो हमारे चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे चेहरे पर दुखी, अगर हमारे अंदर कोई सैडनेस है उस वो आ जाता है, हमारे हमें अगर कोई खुशी है तो वो चीज़ हमारे चेहरे पर झलकने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड। सेकंड, अगर हम बात करें, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स सो दैट वी डू नॉट एक्सप्रेस वाट वी डू नॉट वॉन्ट टू एक्सप्रेस। अपनी फीलिंग को नहीं दिखाना चाहते, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, अब फीलिंग्स को कंट्रोल, कौन सी फीलिंग्स को? जिन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं कि किसी दूसरे को पता चले, तो उन फीलिंग्स को कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में क्या है, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस कैन हेल्प टू कंट्रोल द फीलिंग। यानी हम लगातार यदि प्रैक्टिस करें तो हम अपनी जो फीलिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर आ रही है या हमारे कहते हैं दिल के अंदर आ रही है जो फीलिंग्स, और उसे हम किसी व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को शो नहीं करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार एक कहते हैं प्रोसेस अपनानी पड़ेगी ताकि हमारी जो फीलिंग्स है वो हमारे चेहरे पर ना निकल करके आए। क्यों? क्योंकि फेस इज द मिरर ऑफ द ऑफ आर माइंड। मतलब जो हमारा दिमाग है, हमारा जो माइंड है उसका मिरर है ये हमारा फेस। तो मुख की आकृति के द्वारा भी संचार हो जाता है। ये आपका नॉन वर्बल का सेकेंड टाइप था। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट मतलब आपके आँखों का जो कहते हैं संबंध है उसके बारे में, कि आँखों के द्वारा आप कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसके बारे में। तो आई कॉन्टैक्ट इंडिकेट इंटरेस्ट, अटेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट। कॉन्टैक्ट है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है किस किस चीज़ को, आपके इंटरेस्ट को, कि आप इंटरेस्टेड हैं, या आपके अटेंशन को, कि आप
अटेंशन में है और आपका जो इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ को। मान लीजिए कहीं पे कोई लेक्चर हो रहा है, तो लेक्चर में जो स्पीकर है और उसके सामने जो लिसनर है वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आई कॉन्टेक्ट को देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि जो लिसनर है वो आपके लेक्चर में इंटरेस्ट रख रहा है या नहीं रख रहा है, या वो आपके लेक्चर में अटेंशन में है या नहीं, या इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है उस व्यक्ति का। तो इसके लिए आपको क्या है कि आपका जो ये आई कॉन्टैक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द आई कॉन्टैक्ट ऑफ अ स्पीकर विद ऑडियंस इंक्रीज द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी। यानी जो आई कॉन्टैक्ट है, जब स्पीकर अपनी ऑडियंस के साथ में कोई भी कहते हैं बात कर रहा होता है, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा होता है, तो आई कॉन्टैक्ट के द्वारा क्या है कि जो ऑडियंस है उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने विश्वास को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो जो स्पीकर के विश्वास को, किसके द्वारा, आई कॉन्टैक्ट के द्वारा। अब मान लीजिए आप स्पीकर हैं और आप अपनी ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप कोई चीज़ बता रहे हैं और आप उनकी आँखों में आँखें नहीं डाल रहे हैं, आँखों में आँखें डाल करके अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात को नहीं कह रहे हैं, तो जो ऑडियंस है वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगी, बिलीव नहीं कर पाएगी। अगर हमें अपनी ऑडियंस को विश्वास दिलाना है तो कि वो आपके ऊपर फेथ कर सकते हैं, आपके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, आपको आई कॉन्टैक्ट बना करके रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आई कॉन्टैक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यानी जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से आमने सामने का कहते हैं संचार कर रहे हैं, तो फेस टू फेस एसोसिएशन में क्या है, आपका जो ये आई कॉन्टैक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है। इसके बाद में क्या है, आप अपनी ऑडियंस के बारे में ये जान सकते हैं कि ऑडियंस आपके लेक्चर में इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही है, या ऑडियंस आपके लेक्चर में इन्वॉल्व है अथवा नहीं है, या ऑडियंस अवेयर है कि नहीं, अटेंशन में है या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आप आई कॉन्टैक्ट के द्वारा विदाउट अटरिंग एनी टाइप ऑफ वर्ड्स, बिना किसी वर्ड को कहे आप इतनी सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स थे। हम दूसरे व्यक्तियों के साथ में जो कहते हैं कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, तो बिना शब्दों का यूज करे भी हम कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा और आपके आई कॉन्टैक्ट के द्वारा आप इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।